अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों के मुतालिक। 26 जनवरी 2023 और इतवार का दिन है। पहली खबर है ब्लड डोनेशन के हवाले से, 2700 से ज़ायद जो है वो ब्लड बैग्स चाहिए। उसके बाद 260 जो है ब्लड बैंक की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं प्लेटलेट्स, वो भी चाहिए। सो जितने भी दोस्त अब आप ब्लड डोनेट करना चाहें, डरना नहीं है आपने, कुछ नहीं होता है। आप जो है ओमान में वो बोशर में जो ब्लड बैंक है ना, वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं। उनकी टाइमिंग जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं, सुबह 8 से लेके दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे तक। सुबह 8 से लेके संडे टू थर्सडे, ठीक है जी। सुबह 8 से लेके दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 7:30 से लेके 11:30 बजे तक, ये उनकी टाइमिंग है। इस दौरान आप वहाँ पर जाके ब्लड और प्लेटलेट जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। और दूसरी खबर जो है वो मौसम के हवाले से है। मस्कत में तो फिलहाल बिल्कुल साफ है सब, कोई बादल शादल नहीं है। हाँ, इधर थोड़ा लग रहा है कि वो सैंड स्टॉर्म जो है ना वो कहीं दूर है, तो देखते हैं मस्कत में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, लेकिन है ऐसे ये। अगर मस्कत में कुरम में खड़े हैं तो बरका वाली साइड पर देखें या मीरात वाली साइड पर, तो वहाँ पर वो सैंड स्टॉर्म के मिट्टी का तूफान जो है उसके आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी बारिशों का भी कहा गया कि इस वीक में फिर बारिशें होंगी, सैंड स्टॉर्म आएगा, तो देखते हैं कब कहाँ क्या होता है। और इसके बाद कोई बड़ी खबर नहीं है। वो दोनों जो लेक्चर हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के, वो बड़े हाउसफुल थे। और कल रात को खबर आई थी जब सुल्तान कबूस जो है यूनिवर्सिटी में लेक्चर था कल दूसरा और आखिरी उनका, तो वहाँ पर कुछ खवातीन के सलाम कबूल करने के भी वीडियोज़ आई हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए और उनको तंदरुस्ती दे और उनका ईमान जो है वो पुख्ता रखे। बाकी फ़िलहाल कोई बड़ी खबर नहीं है। ये सामने पाकिस्तानी हमारे दोस्त जा रहे हैं और चिट चैट होते जा रही है भैया। वो कहते हैं नहीं असी 60 ते ही जाना है, 60 का बोर्ड लग गया तो 60 ते ही जाना है। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़। मार दे ब्रेक, मार दे ब्रेक। हेलो, जज़ाकल्ला।